दोस्तों कोडी रोड्स के लिए WWE यूनिवर्स ने रोकी सक्स के चैंट्स लगाए और द रोक के लिए ऐसा रिएक्शन शायद ही हिस्ट्री के अंदर सुनने को मिला होगा। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में, जहां पर दोस्तों काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिली। ड्रू मैकइंटायर ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक भी किया, मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स ने मैच के अंदर कंप्लीट भी किया। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। और शो की स्टार्टिंग दोस्तों हमें सेथ फ्रीकिंग रोलंस के साथ देखने को मिलती है। क्राउड उनके लिए काफी अच्छा रिएक्शन देता है। और इसके बाद दोस्तों सेथ रोलंस बात करते हैं स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में कि स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिला। और इसके बाद दोस्तों रोकी के लिए जो बू था वो हमें सुनने को मिलता है, और इसी के साथ साथ कोडी रोड्स के लिए चैंट सुनने को मिलते हैं। और सेथ रोलंस बोलते हैं कि चलो आप कोडी रोड्स को बुलाते हैं। कोडी रोड्स दोस्तों आते हैं, उनका म्यूजिक हिट होता है, और भाई क्या रिएक्शन था कोडी रोड्स के लिए, रिएक्शन काफी अच्छा था। कोडी रोड्स और सेथ रोलंस रिंग के अंदर आमने सामने थे, और इसके बाद दोस्तों रोकी सक्स के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर सेथ रोलंस क्लियर बोलते हैं कि चलो अब अच्छा है द रोक रोमन रिंग्स को फेस कर लेगा, और अब तो मुझे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या तुम मुझे रेसलमेनिया के अंदर चैलेंज करोगे या फिर नहीं। और इसके बाद दोस्तों क्राउड वहां पर काफी नो नो के चैंट्स लगा रहा था, काफी बू भी सुनने को मिल रही थी। और इससे पहले दोस्तों कोडी रोड्स ज्यादा कुछ बोलते, वहां पर दोस्तों हमें म्यूजिक सुनने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर का। ड्रू मैकइंटायर दोस्तों रिंग के अंदर आते हैं, और ड्रू मैकइंटायर दोस्तों बात करते हैं कि मैं यहाँ पर एक टी शर्ट लेकर आया हूँ, और उस टी शर्ट के ऊपर दोस्तों वो मेम बनी हुई थी जहां पर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर बैठे हुए हैं स्माइल के साथ, और जो रेस्ट इन पीस का बोर्ड होता है उसके ऊपर सीएम पंक का मेन इवेंट का हमें लोगो देखने को मिल रहा था। और इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर कोडी रोड्स को बोलते हैं कि तुम याद करो, तुम्हें अपनी स्टोरी को फिनिश करना है, तुम पिछली रेसलमेनिया के बारे में याद करो किस तरीके से तुम हार गए थे। और यहाँ पर दोस्तों क्लियर जो ड्रू मैकइंटायर है वो बोल रहे थे कि तुम्हें रोमन रिंग्स को फेस करना चाहिए, सेथ रोलंस को मैं अपने आप देख लूंगा रेसलमेनिया के अंदर। और इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर सेथ रोलंस के बारे में बोलते हैं कि सेथ रोलंस अब तुम्हारी इंजरी का जो वक्त है वो खत्म हो चुका है, तुमने बहुत अच्छा काम किया WWE कंपनी के अंदर, लेकिन अब मेरा टाइम है और मैं तुमसे सब कुछ लेने वाला हूं। और इतने में दोस्तों ड्रू मैकइंटायर यहां पर सेथ रोलंस को लगाते हैं ग्लासगो किस, और इसके बाद दोस्तों कोडी रोड्स ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं, उनको रिंग से बाहर करते हैं, और ड्रू मैकइंटायर दोस्तों रैंप के ऊपर स्माइल करके चले जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों स्टार्टिंग में WWE ने कोडी रोड्स का सेगमेंट डाल दिया था, क्राउड को काफी मोमेंटम यहां से देखने को मिल रहा था क्राउड की तरफ से कोडी रोड्स के लिए। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर फेटल फोर वे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई मैच देखने को मिलता है, जो कि था क्रीड ब्रदर्स वर्सेस एम्पीरियम वर्सेस DIY वर्सेस न्यू डे के बीच में। और मैच ये दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था। इस मैच की जो एंडिंग है वो दोस्तों हमें DIY के पक्ष में देखने को मिलती है, जो कि अब स्मैकडाउन के ऊपर पीट डन एंड टाइलर बेट को फेस करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच देखने को मिलता है, जो कि था बैकी लिंच वर्सेस शेना बेजलर के बीच में मैच। ये भी दोस्तों काफी अच्छा था, और इस मैच की एंडिंग दोस्तों बैकी लिंच के पक्ष में देखने को मिलती है, जहां पर वो अपना मैन हैंडल स्लैम लगाकर इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेती हैं। इसके बाद दोस्तों रिया रिपली और नाया जैक्स का सेगमेंट देखने को मिलता है, और दोस्तों यहाँ पे जो नाया जैक्स है वो रिया रिपली को पीट कर चली जाती हैं, और जो नाया जैक्स है वो यहाँ पर रिया रिपली को स्लैप भी लगाती हैं। और दोस्तों बात करें अगले मैच के बारे में, तो दोस्तों अगला मैच हमें देखने को मिलता है मिक्स टैग टीम है, जो कि था अकीरा टोजावा एंड दुपरी वर्सेस आईवार एंड बलहाना के बीच में, और सिंपली जो विक्ट्री है वो दोस्तों आईवार एंड बलहाना की हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर जजमेंट डे के मेंबर JD मैकडोला और उनके साथ दोस्तों डोमिनिक मिस्टेरियो भी आए थे वर्सेस मैच देखने को मिलता है द मीज के अगेंस्ट में। मैच ये दोस्तों काफी एंटरटेनिंग था, यहाँ पर हमें आर्थरूथ भी देखने को मिलते हैं, और आर्थरूथ की वजह से ही शायद इस मैच के अंदर जो मीज है वो विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें गुंथर का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जो कि 600 दिनों का गुंथर का हो चुका है। गुंथर ने जो 600 दिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपना रिकॉर्ड बना दिया है, और गुंथर यहाँ पर अपने जो उनकी तारीफ है वो कर रहे थे कि गुंथर किस तरीके से ग्रेट चैंपियन है। और यहाँ पर हमें मेन इवेंट जे उसो भी देखने को मिलते हैं, और मेन इवेंट जे उसो के साथ साथ यहाँ पर जो यीट वाले चैंट्स है वो भी हमें काफी ज्यादा सुनने को मिल रहे थे।
दोस्तों सिंपली सेगमेंट के अंदर जो जे उसो वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने लॉन्गेस्ट टैग टीम चैंपियनशिप को संभाला है, उनके पास भी रिकॉर्ड है। और इसके बाद जे उसो बोलते हैं कि 2024 के अंदर अब जे उसो को चाहिए आईसी चैंपियनशिप। और इसके बाद दोस्तों गुंथर यहाँ पर बोलते हैं कि मैं तुमको बुरी तरीके से हराने वाला हूँ, अगर इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो तो चलो मैच करते हैं। और यहाँ पर गुंथर जे उसो को धक्का भी देते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो पूरी एम्पीरियम है वो यहाँ पर जे उसो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। गुंथर अपनी जैकेट को भी निकालते हैं। और इसके बाद दोस्तों कुछ जेबियर वुड्स एंड कॉफी किंगस्टन देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पर जे उसो को बचाने के लिए आए थे। लेकिन इससे पहले कि ज़्यादा कुछ यहाँ पर होता, एम्पीरियम यहाँ से चले जाते हैं। और अगले हफ्ते हमें इनका सिक्स मैन टैग टीम मैच भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद हमें मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स के बीच में एक बुल रोप मैच। और इस मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार के जो हाथ थे वो एक दूसरे से बंधे हुए थे। और इस मैच के दौरान दोस्तों हमें काफी तगड़े रोकी शख्स के चैंट्स भी सुनने को मिलते हैं। और इस मैच के अंदर हमें कोडी कटर देखने को मिला, शिंसुके नाकामुरा का मिस्ट देखने को मिलता है, पेडिग्री भी देखने को मिलती है, कोडी रोड्स के फिनिशर के ऊपर किकआउट भी देखने को मिलता है। और मैच के एंडिंग में दोस्तों यहाँ पर जो कोडी रोड्स है वो अपना फिनिशर लगाकर फिर से क्रॉस रोड्स इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब कोडी रोड्स यहां पर स्टैंडिंग सेलिब्रेशन कर रहे थे तो पीछे दोस्तों सडनली यहां पर ड्रू मैकइंटायर अटैक करते हैं। ड्रू मैकइंटायर जो है वो कोडी रोड्स को क्लेम और किक भी लगाते हैं। और इसके बाद वो किक अप करके यहाँ पे कोडी रोड्स के ऊपर खड़े होकर रेसलमेनिया के साइन की तरफ देख रहे थे। और दोस्तों चैनल के ऊपर अभी एक वीडियो और आने वाली है जो कि कोडी रोड्स के रोमन रेंज के साथ जो उनका मैच होने वाला है उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों चलिए आज की ये रो की रिव्यू वीडियो इतनी सी थी। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।